गाना गाया है, ये सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो मालविका मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा बता सकती है, आप बताइए। कॉन्सेप्ट तो पूरा कोरियोग्राफ तो सर ने किया है, मास्टर जी ने किया है, तो कॉन्सेप्ट उनको पता है वो किस हिसाब से मुझे लुक देना चाहते हैं, लेकिन गाना मेरा फर्स्ट टाइम है तो रिप्रेजेंट मैं फर्स्ट टाइम एज ए सिंगर हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी मास्टर जी मुझे किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे थे ये उनको बताएं। नहीं, गाना बहुत ज़बरदस्त है, जब मेरे पास एक गाना आया था मुझे कहा गया कि गाना कोरियोग्राफ करना है, डायरेक्ट करना है, एल्बम डायरेक्ट करना है, कोरियोग्राफ करना है, तो मतलब मेरे को पहले गाना सुना, फिर उन्होंने मुझे गाना सुनाया, फिर बोला कि जो गा रही है वही सिंगर है, तो मतलब पहले उनको देखो तो सिर्फ डांस कैसा करते थे, मालविका मेरे पास से तो बहुत नर्वस थी कि कैसा करेंगे क्या करेंगे, तो फिर हम लोगों ने एक आइडिया किया, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक LED बॉक्स बनाया कम से कम 20x20 का, अभी आप लोग देखेंगे उस पर शूट करेंगे, तो उसमें अलग अलग विजन है, चीता के साथ इनकी एंट्री है और दो कॉस्ट्यूम है, एक इंडियन कॉस्ट्यूम है एक वेस्टर्न कॉस्ट्यूम है, और इन्होंने बहुत मेहनत की, कम से कम 5-6 दिन रिहर्सल की, डांस किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो जिस सबसे नर्वसनेस दिखा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है ये, अब अच्छा कर रही है, और CSP प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है, गाने को लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्शन उनका है, प्रोड्यूसर वो है, तो मैं उनको बोलूँगा बहुत बहुत मुबारक आपको ये एल्बम के लिए, सिंगल के लिए बहुत चले। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर के लिए, हाँ डेब्यू तो सिंगर में हो रहा है तो मैं नर्वस तो हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन शूटिंग में जब सब लोग मेरा गाना का तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा गाए हो अच्छा गाए, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और गाना का जो लिरिक्स है इतना कैची है, तो मुझे उसमें गाने में भी बहुत मज़ा आया, तो परफॉर्म करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो उसमें अभी नर्वसनेस एकदम चला गया, अभी जब रिलीज़ होगा तब पता चलेगा। और जो हुक स्टेप है जो मास्टर जी ने डाला है उसमें, तो अभी मुझे लगता है कि जब ही लोग गाना सुनेंगे किल करता तो दिस वन शुड बी देयर, हाँ लोग ऐसे ही करेंगे, तो लेकिन एक्टिंग के लिए परफॉर्मेंस के लिए नर्वस एकदम नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर जी डांस करा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब मैं सुनी कि मास्टर जी डांस करेंगे, जब प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बोला कि मास्टर जी डांस करा रहे हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, क्योंकि बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि उनका कोरियोग्राफी, हम लोग डांस भी करते, एवरीथिंग जो भी मेरा फेवरेट गाना है सब मास्टर जी का, हुक स्टेप ये सब वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो सिंगिंग का डेब्यू होने वाला है वो मास्टर जी के हाथ से होने वाला है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। मैंने 4-5 दिन रिहर्सल किया था, और ये जो पहले का आप लोग ने जो बताया, जो भी शाहिद मालिया के साथ जो वो उनके गाने पे जो मैंने परफॉर्म किया था उसने जी में रिलीज़ किया था, तो उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरा लुक्स, मेरा एटीट्यूड एंड मेरा थोड़ा हंसना ये सब था। इसके पहले जो गाना था प्रीटी गर्ल, उसमें कनिका कपूर जी ने गाया था, तो उसमें डांस वगैरह बहुत कुछ था, और लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल क्योंकि है, क्योंकि इसमें मैंने खुद गाया है, और बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है कि 1 month के अंदर आप लोग को पास ये गाना आ जाए, अभी मास्टर जी देखेंगे किस हिसाब से कट करेंगे क्या है कैसे उनको ही पता है कि कब ये चीज़ मतलब फाइनल जो आउटपुट है वो आएगा। ना आपको जब आए थे तो ऐसा लगा था नर्वस, लेकिन जब उन्होंने डांस किया रिहर्सल किया तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगी, क्योंकि जो इंसान खुद गाता है उसको फीलिंग्स पता होती, गाने के एक्सप्रेशंस पता होते, शब्द पता होते, तो आई एम वेरी हैप्पी, मालविका ने बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, मैं बहुत कम सिंगल्स करता हूँ गाने एल्बम, लेकिन ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, इसका इन्होंने जो चाहे वो मुझे दिया है, ये LED स्क्रीन बहुत महंगी होती है, बेसिकली बहुत कॉस्टली होती है, जैसे आप देखते हैं इंटरनेशनल एल्बम्स में होता है सब कुछ, तो उन्होंने जो CSP प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, अच्छा किया। हाँ, क्योंकि गाने ऐसे बहुत सारे हिट हुए हैं, और मैं थोड़ा सा फिगर वाइज बहुत ऐसा था, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ अलग है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे, ऑडियंस बहुत प्यार करती है, तो कोशिश करता हूँ, और मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, मेरे एक शॉट आने से शायद लोगों को खुशियाँ मिलती हो, तो डेफिनेट इनकम। 2 दिन लगा, 2 दिन में फुल्ली मैं रिकॉर्डिंग कर दिया, मुझे लगा था मुझे 10 days लगेगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे बहुत टाइम लगेगा ये वो, तो उसके बाद मैं जब 2 दिन में मतलब गाना रिकॉर्डिंग कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि आउटपुट कैसे आने वाला है, लेकिन सुन के मुझे अच्छा लगा, और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं जैसे आप लोग सुन रहे हो, और जो
डांसर से सब लोग मुझे फर्स्ट, वो लोग को तो पता नहीं था मैंने गाया, जब बहुत अच्छा गाना है बहुत अच्छा गाना, फाइनली जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने गाया है तो ओ मैम आपने गाया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि इतना सिंगर से बॉलीवुड में, इतना अच्छे अच्छे सिंगर से, इतना टैलेंटेड है, उसके अंदर अगर मेरा गाना लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और मुझे शब्बीर जो लिरिक्स राइटर है शब्बीर, उसने इनसे इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपको करना है, इनसे करिए। शब्बीर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तब स्ट्रगल कर रहा था तब से। 14 फरवरी को लोखंडवाला के यहाँ पे बहुत बड़ा मेरा स्टूडियो ओपन हो रहा है। वहाँ 14 फरवरी को एक कोई अच्छा आर्टिस्ट आएंगे और वो लॉन्च करेंगे उस एकेडमी को। वो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, वो क्लास जैसा नहीं है। वहाँ पे 12 महीने का पूरा एक कोर्स होगा जिसमें आप पूरा बॉलीवुड स्टाइल सीख के जा सकते हैं, जैसा गणेश आचार्य का स्टाइल है।